हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं राकेश कुमार फार्मासिस्ट। मैं आज बात करने वाला हूँ, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा जो स्कोबोमा लोशन आता है, स्कोबोमा लोशन, इसके विषय में डिटेल बात करने वाला हूँ। इसके क्या यूजेस है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या कंपोजिशन मिलकर बनाया गया है, इसको यूज करने के तरीके क्या हो सकते हैं, किन किन कंडीशनों में आप इसको यूज कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल बात करने वाला हूँ। फ्रेंड तुम्हारे वीडियो किन तक बने रहेगा, आपको पूरी तरीके से नॉलेज मिल जाएगी। तो फ्रेंड आइए सबसे पहले इसकी हम MRP की बात कर लेते हैं। तो 100 ml का जो होता है इसकी MRP 100 rupees होती है, और जो 50 ml का आता है इसकी MRP 70 rupees की होती है, 70 rupees की। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से किसी भी मार्केट में ले सकते हैं। तो फ्रेंड अब आइए इसकी हम कंपोजिशन के अनुसार यूज की डिटेल बात करते हैं। तो फ्रेंड इसमें गामा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मिलकर बनाया गया, जो कि 1% वेट बाय वैल्यूम मिलकर बनाया गया है। मींस क्या है, 1% वेट मींस एक पाउडर फॉर्म था, उसको लिक्विड फॉर्म में घोला गया है, जो कि इसको ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रिपेयर करती है। तो फ्रेंड अब आइए इसके हम यूज की बात करें। यूज टू ट्रीटमेंट स्केबियसिस एंड लेसी इन्फेक्शन, एक ऐसा एक इन्फेक्शन मान सकते हैं आप, जो कि एक ऐसा संक्रमण होता है, जो कि अगर आप कभी ध्यान दिए होंगे कि स्केबियसिस क्या होता है, इसकी अगर हम बात कर ले तो इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुजली होने लगता है पूरे बॉडी में हर एक जगह पर, और मेनली नाइट में, अधिकतर रात में खुजली बहुत ज़्यादा होते हैं, रेसेस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा खुजली होती है, इसको हम स्केबियसिस बोल सकते हैं। तो स्केबियसिस में किस तरीके से क्या होता है, एक इसमें क्या होता है बता दें, क्यों होता है। एक छोटे ऐसे एक कीड़े तरीके से मान सकते हैं आप, जो कि इस तरीके से जैसे जू होते हैं उसी तरीके कुछ कीड़े होते हैं, जो कि बॉडी में जैसे जहाँ पर बाल वगैरह अधिकतर होते हैं वहाँ पर हो जाते हैं, चाहे सर में हो गया या फिर किसी भी ऐसे प्लेस पर हो सकता है, जो कि जहाँ पर हेयर्स बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, परमानेंट रहने लगते हैं, जो कि ऐसी कंडीशन एक छोटे दबे हुए कीड़े के घुन की तरह होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में स्किन पर बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, दबे रहते हैं, और जिस जगह वो चलते हैं बहुत ही तेज़ खुजली होती है पूरे बॉडी में, जिसके ऊपर हो जाएंगे बहुत ही तेज़ खुजली होती है। और ये इसको अगर हम बता दें किस तरीके से फैलता है, तो एक से दूसरे पर्सन फैलता है, जैसे आप हैंड शेकिंग कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, या किसी के साथ रह रहे हैं, किसी ऑफिस में किसी साथ में बहुत ज़्यादा आप अटैचमेंट हैं, वैसे अगर उसके उस पर्सन को है तो आपको आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है। क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होने के बाद हेयर पार्ट ऑफ बॉडी, जिस जगह पर हेयर्स होते हैं वहाँ पर वो फैला सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, अपने अंडे बच्चे देना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड अगर अल्टीमेटली हम बात करें तो पूरे बॉडी में बहुत तेज़ से खुजली होना नाइट के समय, आप जैसे ही आप अपने कपड़े थोड़ा बहुत जो शर्ट वगैरह पहने रहते हैं उसको जैसे उतारते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होना स्टार्ट हो जाती है नाइट सबसे अधिक। तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तो इस कंडीशन में आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर इसमें होता क्या है, आपको बहुत नॉर्मल छोटे छोटे दाने भी दिख सकते हैं, रेसेस भी थोड़ा बहुत दिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, पूरे बॉडी पार्ट पर खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से इसको आसानी से आप यूज कर सकते हैं। इसके अगर हम साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, साइड इफेक्ट वैसे तो सबको नहीं होते हैं, किसी को आ भी सकते हैं, जो कि इसको लगाने से किसी को इरिटेशन हो सकता है, उसको अच्छा फीलिंग नहीं हो सकता है, या फिर रेसेस हो सकते हैं, या फिर इचिंग हो सकती है, या बर्निंग सेंसेशन जलन जैसा महसूस हो सकता है। तो एक कोई ज़रूरी नहीं है, किसी किसी को हो सकते हैं। तो फ्रेंड अगर ऐसे कंडीशन नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा देखने को मिल रहा है तुरंत मेडिसिन को स्टॉप करने काम करें, और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने काम करें। तो फ्रेंड एक ऐसा रहा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूलें, सब्सक्राइब करना भूलें, दूसरे के पास जरूर शेयर करें, ताकि उसको भी इसकी डिटेल पता हो सके, तभी यूज करें। तो फ्रेंड और आप हमारा वीडियो देखते रहिए, नॉलेज लेते रहिए।